हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या है आज हम लोग बहुत ही एक प्रश्न है हमारे बच्चों का, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर जो टेंथ के बच्चे हैं और ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं वो बार बार ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे कि सर गाइड कौन सा यूज करें, गाइड को कैसे पढ़ें, किस कंपनी का गाइड बेहतर होता है। तो देखिए मैं उन लोगों को बता दूँ कि बाबू गाइड तो अपने आप में सभी कंपनी का बेहतर है, चाहे जिस किसी भी कंपनी का हो, लेकिन हम लोग के पास प्रत्येक पब्लिकेशन के गाइड आते हैं, विभिन्न पब्लिकेशन के गाइड को हम देखते हैं। तो इन सभी को देखने के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि जो देखिए आप कोई भी किताब खरीदते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसमें एक चीज़ जो होता है ना, जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन हैं अगर उसको हाईलाइट कर दिया गया हो ईयर बाई ईयर, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कब कब पूछा गया, तो नहीं क्वेश्चन बैंक जैसा काम करता है। दूसरी बात, हमारे अपने भाषा में अगर वो लिखा हुआ है तो याद करने में सुविधा होती है। कुछ गाइड्स में क्या समस्या होती है कि हम उसे पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, याद नहीं हो पाता। उसका कारण ये होता है कि हमारे भाषा से थोड़ा हटके होता है, हमारी समझ से परे होता है। लेकिन कोई कोई गाइड ऐसे भी हैं, कुछ गाइड ऐसे हैं जो बिल्कुल आपकी भाषा में दिया गया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जहाँ पर जितने शब्दों की आवश्यकता है उतने ही शब्दों में दी गई है, बिना मतलब का बहुत ज़्यादा कचरा नहीं किया गया है। तीसरी बात, गाइड जो है वो उसके पेज रंगीन होने चाहिए ताकि पढ़ने में आकर्षक लगे। चौथी बात, चित्र भी अच्छे तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, तो देखने में आकर्षक लगे, समझ में आवे। पांचवी बात कि उस गाइड के साथ कुछ प्रैक्टिस पेपर यानी कि मॉडल पेपर भी मिले, जी हाँ वो भी होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे मुद्दों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, पॉइंट को देखते हुए हम लोगों ने एक गाइड देखा जिसमें शायद इन सही बातों की पूर्ति हो जाती है, लगभग जो सर हमारे अनुभव के आधार पे इन सही बातों की पूर्ति होती है। तो गाइड है इस कंपनी का, नाम आप जानते होइएगा, ब्रिलियंट का। किस कंपनी का? ब्रिलियंट पब्लिकेशन का गाइड है, ब्रिलियंट प्रकाशन का। देखिए आप देख रहे हैं आपके सामने ये गाइड है, देख रहे हैं 2020 ब्रिलियंट एग्जामिनेशन गाइड, ठीक है। ये क्या है लिखा हुआ प्रैक्टिकल सहित, मतलब क्या कि इस गाइड में जो है आप जो परीक्षाएं प्रैक्टिकल जमा करते हैं उसके लिए आपको एक किताब अलग से खरीदनी पड़ती है, तो इसमें वो किताब नहीं खरीदना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल की किताब अच्छे से एक्सप्लेन करके चित्र के साथ इसमें दिया गया है। तो अब अंदर की बात करते हैं। मैंने पहले मुद्दे पे बात किया कि गाइड का जो है लिखावट अच्छा होना चाहिए, हमारे अपने भाषा में होना चाहिए, कम से कम शब्दों में होना चाहिए, वो सभी स्पेसिफिकेशंस, वो सारी विशेषताएं, किसी भी प्रश्न का उत्तर कम से कम शब्दों में, कितने शब्दों में, बहुत उतना ही शब्द जितनी की आवश्यकता है, सटीक ढंग से की गई इस गाइड में। दूसरी बात, इस गाइड में जैसे आप देखिए ये पेज आप देख रहे हैं रंगीन है, हाइलाइटेड है, आप देख सकते हैं जहाँ प्रश्न पूछा गया है, जो प्रश्न जब पूछा गया है उस प्रश्न की तिथि अंकित है, इस साल अंकित है कि इस साल में इस सेट में ये प्रश्न पूछा गया। आप देख सकते हैं कि इसमें चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है, देखिए अब देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से भी, वो चित्र भी क्या है, रंगीन है और आपको जैसा आकर्षक लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, मतलब इन सही बातों को ध्यान में रखते हुए आपको समझ में आवे, आपको पढ़ने में सुंदर लगे, आपको पढ़ने में मजा आवे, इनमें जो जो बातें लिखी गई है आपको जल्दी समझ में आ जाए, तो इन सही बातों का ध्यान रखते हुए इस गाइड को तैयार किया गया है। इस गाइड में को तैयार करने में हमारे शिक्षकगण होते हैं ब्रिलियंट प्रकाशन के अनुभवी शिक्षकगण, अनुभवी शिक्षकों की टीम ने मिलकर इसे तैयार किया है, जैसा कि मुझे बताया गया है, लेकिन बताया गया लगभग सही भी लगता है क्योंकि देखने से पता चल जाता है किसी चीज का यूज करने से। तो दोस्तों और उसके बाद इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है प्रत्येक चैप्टर से, क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और क्या कहते हैं इस गाइड के साथ साथ मैं आपको ये बात ही बता दूं कि इस ब्रिलियंट पब्लिकेशन का 6 to 10th का
बुक भी आता है। इस बुक में आपको प्रत्येक टॉपिक का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाता है। वैसे बिंदु जो आपको समझ में नहीं आता है, उन सभी बिंदुओं का, जैसे कोई है ऐसा पॉइंट समझ नहीं आता है, उसको लाल या हरा कलर से हाईलाइट कर दिया जाता है ताकि आप उसे गौर से देखें और समझें। किसी भी चीज़ की परिभाषाएँ होती है, उस परिभाषाओं को हाईलाइट करके दिया जाता है ताकि आप परिभाषा को लिखने में, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। प्रत्येक चैप्टर से जो आज के युग में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिवों का समावेश है, बहुत अधिक ऑब्जेक्टिवों को लिया जाता है, ठीक है। टॉपिक बाई टॉपिक ऑब्जेक्टिव निकाल के आपको पेज के पीछे, चैप्टर के पीछे मिलता है। और जी हाँ, इन सभी सुविधा आप उसमें भी आकर्षक कलर, आकर्षक डिजाइन हर तरह की होती है, बहुत सुंदर लगती है देखने में, और पढ़ने और पढ़ाने में दोनों ही बिंदुओं में जो ब्रिलियंट किताब है, गाइड है, दोनों ही बहुत अच्छी है जी। और एक आवश्यक सूचना, वैसे बच्चे जो ट्वेल्थ के ISC की तैयारी कर रहे हैं, ट्वेल्थ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए बता दूँ कि यदि आप ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो आपको ब्रिलियंट प्रकाशन की तरफ से ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा दी जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है? जब आप गाइड खरीदते हैं तो उस पर एक स्क्रैच कूपन रहता है, उसको आप स्क्रैच करेंगे तो वहाँ पर कुछ टेक्स्ट मिलेगा, अक्षर मिलेंगे, उसे आप क्या करेंगे, ब्रिलियंट पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे और उसको पासवर्ड के रूप में यूज़ करेंगे और फिर आप टेस्ट दे पाएंगे जो अभी से भोर तक कंटिन्यू चलेगा। क्योंकि ब्रिलियंट पब्लिकेशन का ट्वेल्थ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही फैकल्टी का गेस्ट आता है, जो कि थोड़ा बेहतर है, पढ़ने में अच्छा है। मैंने देखा है कि बहुत सारी बातें कम से कम शब्दों में और समझने वाली बातों, समझने वाले शब्दों में लिखा गया है, जो कि आपको समझ में आ सकता है और आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग गाइड लेने का मन बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे गाइड हैं, आपको जो इच्छा है लीजिए। एक बात क्या कहा जाता है कि सर कि गाइड जरूरी है, गाइड जरूरी भी है और गाइड नहीं भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, बुक को डीपली पढ़ते हैं, तो किताब में दुनिया की सारी बातें दी गई है। क्योंकि गाइड जो लिखा जाता है वो किताब से हटके नहीं होता, वो किताब से ही लिखा जाता है। तो प्रत्येक बच्चों के लिए बेहतर होता है कि वो गाइड पर फोकस ना करके किताब पर फोकस करें। गाइड तो एक बाद की चीज़ है, गाइड हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है, हमारी मूलभूत आवश्यकता किताब है। लेकिन उसमें भी अगर गाइड लेने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ब्रिलियंट पब्लिकेशन का गाइड लीजिए। यह गाइड आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत ही कम, सभी गाइडों से कम मूल्य पे ये उपलब्ध है, ठीक है। तो आप ये गाइड लीजिए तो बेहतर है अन्य सही पब्लिकेशनों से। जी हाँ, तो अगर आप लोग सोचते हो सर कैसे गाइड से टॉपर निकल, देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, सभी गाइड से सभी टॉपर नहीं होते हैं। मतलब गाइड से टॉपर तो पढ़ के खुद से होता है। आप देखते होइएगा सभी गाइड का कवर पे उठाते हैं तो लिखा हुआ रहता है कि ये टॉपर हमारे, ये टॉपर हमारे, आप कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही टॉपर सब गाइड कैसे पढ़ा। तो जब आप टॉप करोगे ना तो पता चल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, ये पब्लिकेशन झूठ मूठ का कुछ लिखी हुई नहीं है, देख लीजिए आप पीछे कुछ नहीं लिखती है। क्यों? क्योंकि दिखावा करना इनका काम नहीं है। जैसे इन्होंने मुझे बताया टॉप करते हैं इनके बच्चे, करते हैं हमारे बच्चों ने पढ़ के टॉप किया है, अच्छे अच्छे पोजिशन पाई है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने निश्चित और बेहतर सफलता के लिए, तो आप ब्रिलियंट पब्लिकेशन गाइड यूज कीजिए। क्यों, कहा गया एक बात दोस्तों, चोक चमकदार और हल्लुक दमदार, मतलब देखने भी सुंदर होना चाहिए, काम भी बढ़िया होना चाहिए और पैसा भी कम लगना चाहिए। तो याद रखिएगा, चोक चमकदार, हल्लुक दमदार, तो दुकानदारों को कहिएगा ब्रिलियंट प्रकाशन के गाइड हमको दीजिए। क्या? चोक चमकदार, हल्लुक दमदार, तो लेना कौन है गाइड? ब्रिलियंट प्रकाशन का, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर होगा। वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं, जो कोई पाबंदी नहीं है, हमारे तरफ से कोई इश्यू नहीं है, आपको जो इच्छा करे ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये बेहतर लगता है, इनका सब कुछ किताब से लेकर गाइड तक, गेस्ट पेपर, सब के सब बेहतर आते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, मॉडल पेपर भी आते हैं, ये सभी बातें हैं, इनकी विशेषताएँ। अन्य कोई भी गाइड की प्रकाशन कंपनी है किताब नहीं छापती है, लेकिन इनके पास ये किताब भी छापती है, इसलिए इनके शिक्षकों को थोड़ा एक अलग तरह का अनुभव होगा। इसलिए ये गाइड मुझे थोड़ा बेहतर लगा, हो सकता है आप लोगों को भी बेहतर लगेगा। एक बार प्रयोग करके देखिए। धन्यवाद।